अडानी शेयरों को लेकर चल रही हलचल से वित्तीय जगत के जानकार हैरान हैं और अडानी समूह के स्टॉक्स के उतार चढ़ाव पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि अडानी के शेयरों के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। देश के स्टॉक एक्सचेंजों ने अडानी एंटरप्राइजेस के ऊपर से शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्विलेंस मेजर को हटा लिया है। इसका मतलब है कि छोटे ड्यूरेशन के लिए अडानी एंटरप्राइजेस के ऊपर जो निगरानी रखी जा रही थी उसे हटा लिया गया है। 8 मार्च से अडानी एंटरप्राइजेस को शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्विलेंस मेजर से हटाए जाने का फैसला लागू हो जाएगा। इसके असर से अडानी एंटरप्राइजेस के ऊपर जो कारोबारी प्रतिबंध है उसमें ढील मिल जाएगी, जैसे कि ऊंचे मार्जिन की जरूरत आदि से भी पाबंदियां हटाई जा रही हैं। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद से अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई थी और अडानी एंटरप्राइजेस के साथ साथ कुछ अन्य अडानी स्टॉक्स को शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्विलेंस मेजर की लिस्ट में डाला गया था। कल के कारोबार में अडानी ग्रीन, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी विल्मर, अडानी टोटल गैस और एनडीटीवी के शेयरों में 5-5% की बढ़त लेने में कामयाब रहे। अडानी समूह की एक अन्य कंपनी अडानी पोर्ट्स ने भी शुरुआत में अच्छी तेजी दिखाई और 4% से ज्यादा उछल गया, लेकिन बाद में इसकी बढ़त थम गई और ये मामूली फायदे के साथ बंद हुआ। वहीं समूह के दो शेयरों ACC और अंबुजा सीमेंट में कल थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ऐसे ही तमाम कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें पैसा लाइफ।